आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसर कंपनी की गूगल स्मार्ट एंड्रॉइड एलईडी टीवी, जो कि एडवांस आई सीरीज के साथ में ये वाली एलईडी टीवी आने वाली है दोस्तों। ये जो एलईडी टीवी है वो आई सीरीज के साथ में आने वाली है दोस्तों। इस टीवी के अंदर आपको एडवांस काफी फीचर्स मिलने वाले दोस्तों। ये एलईडी टीवी गूगल टीवी के साथ में रही, जो कि काफी इजी टू यूज रहती है। इस टीवी के अंदर कौन कौन से आपको एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं, उनको उन फीचर्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी फीचर्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। साथ ही और मैं बात बताने वाला हूँ दोस्तों कि इस एलईडी टीवी का क्या प्राइस रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ये चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 32 इंचीज की गूगल एंड्रॉइड स्मार्ट एलईडी टीवी। यहाँ दोस्तों अगर कोई आप स्मार्ट एलईडी टीवी लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको एडवांस फीचर्स मिले, उसकी वारंटी आपको काफी अच्छी मिले, तो आज जो मैं आपके लिए लेके आऊँ वो आ जाएगी एसर ब्रांड की स्मार्ट एंड्रॉइड गूगल टीवी। दोस्तों ये एलईडी टीवी आपको मेड इन इंडिया मिलने वाले दोस्तों। सबसे पहले इस टीवी के बारे में बात करता हूँ तो ये एसर ब्रांड की गूगल टीवी आ जाएगी, जो कि 2023 के लेटेस्ट वाले मॉडल रहने वाला है दोस्तों। इस टीवी में जो एडवांस फीचर्स मिलेंगे आज हम ये बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टीवी के मॉडल नंबर की। तो दोस्तों इस टीवी का जो मॉडल नंबर आ जाएगा AR32GR2841HDFL, इसका ये मॉडल नंबर आ जाएगा और लेटेस्ट मॉडल है 2023 का। दोस्तों 32 इंची में कंपनी के दो मॉडल आते हैं आई सीरीज के अंदर ही, एक आता है 30 वॉट साउंड के साथ, एक आता है 24 वॉट के साउंड के साथ में। तो जो आज मैं आपके लेके आया हूँ वो एडवांस आई सीरीज के साथ का मॉडल रहने वाला दोस्तों, जिसका साउंड आउटपुट जो रहेगा 30 वॉट का रहने वाला दोस्तों। यानी कि गूगल टीवी रहेगा ही रहेगा, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी है, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, डिजाइन इस टीवी का काफी अच्छा है। डिजाइन की हम बात करते हैं तो ये टीवी जो मिल जाएगा हमें ब्रेजललेस टीवी मिल जाएगा दोस्तों। ये ब्रेजललेस का दोस्तों फायदा ये होता है कि एक तो ये स्लिम टीवी रहेगा और इस टीवी में हमें मैक्सिमम व्यू मिल जाती है। अगर हम कोई वीडियो कंटेंट इस टीवी के अंदर प्ले करते हैं दोस्तों तो वो मैक्सिमम व्यू मिल जाती है। इस टीवी के हम डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों, हमें स्लिम डिजाइन के साथ मिल जाता है, जो कि टीवी लुकिंग में देखते हैं दोस्तों ये ब्रेजललेस मिल जाता है। जैसे कि पहले टीवी में आप देखते थे तो ब्रेजल मिलता था साइड में, तो ये एकदम जीरो ब्रेजल के साथ मिलेगा, जिसमें हम कोई भी कंटेंट प्ले करते हैं तो वो एकदम हमें एज अ फ्रेम की तरह लगता है। यहाँ दोस्तों अगर हम इस टीवी को किसी भी रूम के अंदर लगाते हैं तो वहाँ के इंटीरियर से मैच कर लेता है बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि फ्रेमलेस डिजाइन के अंदर है दोस्तों ये एलईडी टीवी। यानी जब भी हम इसके अंदर कोई कंटेंट प्ले करते हैं तो एज अ फ्रेम की तरह लगता है। इस टीवी के बारे में हम बात करते हैं, यह मिल जाता है दोस्तों में गूगल टीवी, जो कि इजी टू यूज मिल जाता है दोस्तों। गूगल टीवी जैसे एंड्रॉइड होता है, इसके अंदर भी आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, जो कि इजी टू यूज कर देता है। आप इसके अंदर आप एप्लीकेशन जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, जो कि इजी टू यूज बना देता है। और इसमें फोन की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस पैनल के बारे में बात करते हैं तो सुपर ब्राइटनेस के साथ मिल जाता है, जो कि इसके कलर कंट्रास्ट लेवल इसके अंदर हमें काफी अच्छे मिलने वाले हैं दोस्तों। साथ में देखते हैं तो दोस्तों इसका जो पैनल आ जाता है वो VA पैनल होता है, और ये 60Hz पे ये पैनल काम करता है। और ये टीवी जो मिल जाता है दोस्तों में HD रेडी LED टीवी मिल जाता है, जिसका रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं तो 1366x768 पिक्सल्स के अंदर हमें इसका रेजोल्यूशन मिल जाता है। गूगल टीवी है, या गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहने वाला है दोस्तों। इसके अंदर हम कलर्स की बात करते हैं तो HDR10 के साथ में हमें मिल जाता है, जो इसमें जिसमें आपको कलर कंट्रास्ट लेवल काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यानी कि रियल लाइफ विजुअल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कलर कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मोशन इन्हेंसमेंट रहेगा, जो कि 60Hz पे काम करता है। इसके अंदर दोस्तों घोस्ट इमेजेस नहीं बनते हैं, तो काफ़ी अच्छे पैनल क्वालिटी है। 16.7 मिलियन कलर्स मिल जाएंगे, यानी कि कलर के जो मैक्सिमम शेड होते हैं वो ये टीवी आपको दिखाता है दोस्तों। और इस टीवी के अंदर 30 वॉट का पावरफुल साउंड मिल जाता है विद डॉल्बी ऑडियो के साथ, यानी कि आपको सराउंड साउंड मिल जाता है 30 वॉट के साथ, यानी कि अलग से इसमें आपको स्पीकर अटैच करने की कोई नीड नहीं रहने वाली है दोस्तों। इस टीवी में हम रैम की बात करते हैं तो इसमें आपको 1.5 GB की रैम मिल जाएगी और 16 GB की इसमें हमें स्टोरेज मिल जाएगी। और इस टीवी में एक खास बात और है कि ये डुअल बैंड सपोर्टेड मिलेगा हमें, यानी कि इस टीवी के अंदर 4G और 5G दोनों तरह की इंटरनेट की कनेक्टिविटी इस टीवी के अंदर हमें मिलने वाली है दोस्तों। और इस टीवी के अंदर OTT प्लेटफॉर्म आपको सारे मिलने वाले हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब,
आप अमेजोन प्राइम वगैरह इस तरह की इसके अंदर आपको OTT प्लेटफॉर्म सारे मिलने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजर इंटरफेस की। तो ये आ जाएगा दोस्तों इस टीवी का यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस काफी इजी टू यूज रहता है दोस्तों इसका। इसमें जो यूजर इंटरफेस रहता है इसकी आइकॉन काफी अच्छे बड़े साइज के अंदर मिल जाती है, जो गूगल टीवी होगा दोस्तों, यानी कि ये इजी टू यूज रहता है टीवी। इसके अंदर नेटफ्लिक्स मिल जाएगा हमें, लाइव टीवी आप देख सकते हैं, यानी कि जब हम कोई इसके अंदर जैसे हम पेनड्राइव की कनेक्टिविटी देंगे तो पेनड्राइव हमारी यहाँ शो हो जाएगी। इस टीवी के अंदर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इस टीवी के अंदर हमें डुअल HDMI की कनेक्टिविटी मिलेगी, डुअल इसमें USB की कनेक्टिविटी मिलेगी और वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलती है दोस्तों। डुअल USB का फायदा ये होगा कि आप पेनड्राइव टू पेनड्राइव भी आप डाटा कॉपी कर सकते हैं। HDMI की बात करते हैं तो HDMI मल्टी आप डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं वन टाइम में। जैसे आप इसके साथ में आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने घर पे कैमरे वगैरह लगे हैं तो आप कैमरे भी इजीली आप इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब मिल जाएगा, यूट्यूब म्यूजिक का अलग से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसके अंदर सिर्फ आपको सॉन्ग अवेलेबल होंगे। साथ में आप देखते हैं दोस्तों तो इसमें आपको प्राइम वीडियो और फास्ट कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फास्ट कास्ट के फीचर का जो यूज होता है दोस्तों, आप फोन की आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को आप इसके डायरेक्टली आप इसकी स्क्रीन शेयर पर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो जैसे आप फास्ट कास्ट पर आप जाएंगे दोस्तों तो आपके जो एंड्रॉइड मोबाइल की स्क्रीन होगी आपकी बिग स्क्रीन के ऊपर शेयर हो जाएगी दोस्तों। इसमें आप आईफोन की स्क्रीन को भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें क्रोम कास्ट बिल्ट इन भी रहने वाला है। क्रोम कास्ट का दोस्तों फायदा ये होता है कि जितने भी आपको OTT प्लेटफॉर्म सामने दिख रहे हैं इनमें कोई भी आप कंटेंट प्ले करते हैं तो डायरेक्टली आपकी जो वीडियो होगा कंटेंट होगा डायरेक्टली इस बिग स्क्रीन के ऊपर वो शेयर हो जाएगा दोस्तों। और आपकी आप क्रोम कास्ट का दोस्तों कई सारे फायदे भी होते हैं कि जैसे ही आपने कंटेंट को इसके ऊपर शेयर किया उसके बाद अपने मोबाइल को आप इजी टू यूज कर सकते हैं, यानी मोबाइल में भी आप कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन आपका कंटेंट प्ले रहेगा। स्क्रीन शेयर के अंदर ये होता है कि आपके फोन का पूरा डिस्प्ले बिग स्क्रीन के ऊपर शेयर हो जाता है। ऐसे ही आप आईफोन के डिस्प्ले को भी इसमें आप शेयर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सेम वाईफाई से पेयर करना होगा, यानी कि मोबाइल को और LED टीवी को एक सेम वाईफाई से, जैसे घर पर अगर आपने वाईफाई लगाया हुआ है तो आपको सेम वाईफाई से दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना होगा, उसके बाद आप आईफोन के मोबाइल की भी आप इसमें स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो कोई मोबाइल जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसमें भी आपको सेम नेटवर्क से आपको कनेक्टिविटी देनी होगी मोबाइल को भी और टीवी की भी। उसके बाद आप कोई भी कंटेंट है आप ब्राउजिंग के थ्रू आप वो शेयर इसके अंदर आप कर सकते हैं, यानी कि आपको जो भी आपका नेटवर्क होगा वहाँ पे वाईफाई होगा उसमें आप मोबाइल को और टीवी को दोनों को कनेक्ट करना होगा, उसके बाद आप इस टीवी के अंदर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इस टीवी में आप अपने PC की आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस टीवी के अंदर आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर तो हमें मिल जाएंगे दोस्तों, हमारे टीवी के अंदर हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है तो इसमें बूस्टर मिल जाएगा, यानी कि अलग से आपको कोई एप्लीकेशन ऐड करने की नीड नहीं रहने वाली है। नेटवर्क की स्पीड आप इसमें चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लॉक मिल जाएगा यानी हर जगह का आप इसमें टाइम देख सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो कि डुअल ऑडियो के साथ में रहेगा, यानी कि आप इस टीवी को एज अ म्यूजिक सिस्टम बना के भी यूज कर सकते हैं और अगर आप म्यूजिक सिस्टम घर पे यूज करते हैं तो इस टीवी के साथ आप म्यूजिक सिस्टम भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको दोनों तरह की आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी दोस्तों। तो हम देखते हैं तो इसी में आप जैसे ऑडियो कनेक्ट के आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो इसमें देखो ये दिख भी रहा है कि टीवी के साथ आप ब्लूटूथ स्पीकर भी पेयर कर सकते हैं और मोबाइल का साउंड आप इस टीवी के अंदर भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे। दोनों ऑप्शन करने के लिए जैसे आप इसके अंदर आप जाएंगे तो टीवी टू ब्लूटूथ स्पीकर इस तरह से आप जाएंगे तो जो भी स्पीकर्स आपके यहाँ होंगे उसका मॉडल नंबर यहाँ शो हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही आप मोबाइल वाले पर आप शो करेंगे, जैसे ही आप मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको वो भी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप डुअल ऑडियो की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी दोस्तों इस टीवी के अंदर। अपग्रेड का भी आता है जैसे एंड्रॉइड टीवी, तो आप इस टीवी को अपग्रेड भी आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको सारी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी, इसमें आपको मीटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इस टीवी के अंदर मिल जाएगी। और हाँ, ये है गूगल टीवी दोस्तों, तो गूगल टीवी का आपने ना सेटअप करना होता है, सेटअप हमें करना होता है अपनी Gmail ID के थ्रू। तो आप अपने जो हमारी गूगल अकाउंट होता है उसी के थ्रू आप इसमें लॉगिन करेंगे तो सेटअप पर आप जैसे ही जाएंगे तो हमें Gmail ID पासवर्ड डालना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ Gmail ID एंड पासवर्ड डाल के इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही यहाँ आप सेटअप करेंगे तो आप इसके अंदर देख सकते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस काफ़ी सारी ऐड हो जाएंगी और आपका जो मोबाइल होगा वही आपका एज अ रिमोट की तरह वर्क करने लगेगा दोस्तों। तो ये मिल जाएगा आपको गूगल टीवी के अंदर थोड़ा एडिशनल और मोबाइल के थ्रू आप इस टीवी को पूरे को ऑपरेट आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टीवी के थोड़े से सेटिंग के बारे में। तो जैसे ही आप होम बटन में आप जैसी साइड में जाएंगे तो यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो इस टीवी की सेटिंग आप करेंगे तो जैसे ही आप सजेशन पॉपअप मिल रहा है आपको टीवी सेटअप का, जैसे अगर हम यहाँ से सेटअप कर देते हैं तो पॉपअप ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा।
चैनल एंड इनपुट्स का यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे इस टीवी के में HDMI के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ आपको सारी चीज़ें यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों। जैसे आप नीचे जाएंगे डिस्प्ले एंड साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आप पिक्चर मोड मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको 4 से 5 मोड आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग पिक्चर मोड भी इसके आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जो नॉर्मल है, डायनेमिक है, सिनेमा है, आई प्रोटेक्शन प्लस है, गेम है, कस्टम है, कस्टम आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये मिल जाएंगे आपको पिक्चर मोड। अब हम बात कर लेते हैं इसमें साउंड मोड की, तो साउंड मोड में भी आपको काफ़ी सारे मोड मिल जाएंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड, स्पीच, म्यूजिक, स्टेडियम और यूज़र। यूज़र में आप अपने अकॉर्डिंग इसका ट्रेबल है, बेस है, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इस टीवी का जो साउंड है वो आपको 30 वॉट का मिला, यानी कि काफ़ी पावरफुल इस टीवी का आपको साउंड मिल जाएगा। आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑडियो वीडियो केबल की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आप इस टीवी में जैसे आप जाएंगे आउटपुट में, तो यहाँ ऑप्शन आता है कि टीवी स्पीकर चाहिए, ऑप्टिकल के थ्रू कनेक्टिविटी आप दे रहे हैं, HDMI के थ्रू, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ भी आप इसे आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं इसमें कनेक्टिविटी की, तो जो आपको इंटरनेट यानी कि वाईफाई जो कनेक्ट करना होता है वो आपको यहाँ से कनेक्ट करना होता है। और दोस्तों इस टीवी के अंदर आपको डुअल बैंड सपोर्टेड है, यानी कि इस टीवी में आपको 4G और 5G दोनों इंटरनेट की आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ से आप लॉग इन कर लेंगे, यहाँ आपको एप्लीकेशन सारे मिल जाएंगे, यहाँ से आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कोई एप्लीकेशन तो इंस्टॉल भी आप कर सकते हैं। सिस्टम में आप जाएंगे तो सिस्टम सेटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अबाउट में आप जाएंगे तो सिस्टम अपडेट आ जाएगा, डिवाइस नेम आ जाएगा, रीसेट आप इस टीवी को यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टेटस में आप जाएंगे तो इसका सीरियल नंबर, अदर इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डेट एंड टाइम आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, लैंग्वेज मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, स्टोरेज यहाँ आपको मिल जाएगी। आप साथ ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो डिवाइस प्रेफरेंस में आप आते हैं दोस्तों, तो यहाँ से भी आप काफ़ी सारी इसके अंदर आप सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हमको 11 वर्जन के साथ में हमें टीवी मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन मिलेगा हमें। यहाँ से आप रीस्टार्ट इस टीवी को आप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक ये ऑप्शन मिल जाता है इस टीवी के अंदर, रिमोट एंड एसेसरीज। दोस्तों इस टीवी का जो रिमोट है वो ब्लूटूथ पर काम करता है, उस टीवी से हमें कनेक्ट करना होता है। जैसे हम इस टीवी से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो रिमोट होगा वो कहीं से भी वर्क करता है, और यहीं से हमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे कोई ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करते हैं तो ब्लूटूथ स्पीकर को हमें यहीं से कनेक्ट करना होता है दोस्तों, जिसके साउंड का होगा काफ़ी आपको अच्छा मिल जाएगा। और टीवी का रिमोट पेयर करने के लिए इसमें आपको बैक बटन और होम बटन दोनों एक साथ प्रेस करने होंगे, 3 सेकंड तक आपका जो रिमोट होगा इसके साथ में वो पेयर हो जाएगा दोस्तों। और जो भी जैसे ब्लूटूथ का आपका स्पीकर होगा उसका ब्लूटूथ डिवाइस ओपन होगी तो आपको वहाँ शो हो जाएगी, तो आप इसके साथ में ब्लूटूथ भी इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। तो ये हो जाती है इस टीवी के अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं इस टीवी के रिमोट के बारे में, तो दोस्तों इस टीवी का जो रिमोट आ जाएगा वो इस तरह का इसमें रिमोट आ जाएगा, जो कि स्मार्ट रिमोट रहेगा, ऑन ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, म्यूट का बटन रहेगा, ये आ जाता है दोस्तों इसका वॉइस कमांड के साथ। इस टीवी में आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा, तो वॉइस के थ्रू आप कोई भी कमांड देंगे तो टीवी आपको ऑपरेट करके वो दे देगा। ये सेटिंग का आ जाएगा, अप एंड डाउन एंड ओके का बटन आ जाएगा दोस्तों। ये होम बटन होता है, ये बैक बटन का काम करेगा, ये वॉल्यूम का काम करेगा। यहाँ से आप HDMI चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। ये मिल जाती हैं आपको 4 हॉटकीज़। हॉट कीज़ का दोस्तों फायदा होता है कि वन क्लिक में आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है तो आप पहले आप इसके होम मेन्यू में जाएंगे, फिर एप्लीकेशन को ढूंढ कर तब आप ऑन करेंगे। लेकिन आपको YouTube चलाना है तो डायरेक्टली आप इस तरह से YouTube आप प्रेस करेंगे तो YouTube ऑटोमेटिकली इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो वन क्लिक एक्सेस का दोस्तों ये फायदा होता है कि वन टाइम आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो चलिए दोस्तों मैं इसके पिक्चर क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ और साउंड क्वालिटी भी मैं आपको इस टीवी की दिखा देता हूँ। आ जाएगी इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि ये HDR10 के साथ में मिल जाएगा। और इसके पैनल की बात करते हैं तो सुपर ब्राइटनेस के साथ में इसका पैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको कलर कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा दोस्तों। इसके अंदर हम देखते हैं तो कलर क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली इस पैनल के अंदर, और साउंड भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 30 वॉट का पावरफुल साउंड मिल जाएगा। तो ये था इस स्मार्ट एंड्रॉइड LED टीवी के बारे में दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपलाइंसेज और जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी दोस्तों।